हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 0313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे इस मंथ दिसंबर के आपकी लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसिस में आगे क्या आ रहा है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल से कॉन्टैक्ट करें, ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। तो देखेंगे कि इस मंथ, ये जो दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसमें आपके लव, करियर, फाइनेंसिस में, आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, जो भी मुझे नजर आएगा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहिए, देखते हैं इस मंथ आपके लव लाइफ, आपके फाइनेंसिस एंड करियर में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सो लेट्स सी, लव फाइनेंसिस एंड करियर में क्या आ रहा है। व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लव, फाइनेंसिस एंड करियर में क्या आ रहा है। सो फर्स्ट है गाइस हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। व्यूअर्स के लव लाइफ, फाइनेंसिस एंड करियर में क्या आ रहा है इस मंथ दिसंबर में। देन हमारे पास एस ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देन हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देन है मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, विर्गो है, जेमिनी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ये स्टार साइन सबके सब हैं गाइस यहाँ पे। ओके, सो आपकी लव लाइफ, फाइनेंसिस एंड करियर में क्या आ रहा है। सो गाइस, मुझे इस मंथ तो नज़र आ रहा है आप में से बहुत से लोग स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं आप। ठीक है, आप किस तरह का ट्रैवल कर सकते हो सकता है आपने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, और आपका वो वीज़ा जो है वो अप्रूव हो सकता है, वीज़ा लग सकता है, और आप आउट ऑफ कंट्री जाके जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में ट्रैवल आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री का आप ट्रैवल करोगे, बिजनेस से रिलेटेड भी आप कर सकते हो गाइज। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे आई फील है कि यहाँ पे आप लोगों की ऐसे पर्सन से यूनियन नज़र आ रही है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। तो वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। आप लोग अपनी लाइफ में भी काफ़ी इमोशनल हो, कुछ आपके एक्सपीरियंस पास के ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी दुख में हो, काफ़ी पेन में हो। तो वो आप लोग इस मंथ अपनी पेन को भी है ना, रिलीफ आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो पर्सन आपसे यूनियन के लिए वापस आ रहा है। कुछ लोग अपने फ्रेंड से यूनियन भी कर सकते हो, बट आई फील लाइक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों को, न्यू फीलिंग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव एंटर हो रहा है, आप लोगों की लाइफ में न्यू आपको अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में ऑफर होंगी, बिकॉज आप जिस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें मुझे पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर उस चीज़ को कट आउट करोगे जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही हो, जिस चीज़ में आपकी एफर्ट बहुत लग रही है बट आपको उसके बदले में उससे कुछ मिल नहीं रहा। सो जो भी लाइक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुछ दे नहीं रही, सर्व नहीं कर रही, आप उनको कट ऑफ करोगे। फाइनेंशली भी आप लोगों की लाइफ में इस मंथ मुझे सफ़र नज़र आ रहा है कि लाइक आप लोग आउट ऑफ कंट्री का सफ़र करोगे, जहाँ से आप लोगों की लाइफ में पीस मिलेगा। कुछ लोग अपने मेंटली सुकून के लिए किसी जगह पे पिकनिक मना सकते हैं, हॉलीडेज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ से आप लोग अपने पुराने दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग कर सकते हो जाने की एक किसी कंट्री में विजिट के लिए। सो मुझे वो सिचुएशन भी आप लोगों की लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, बट आई फील लाइक आप लोग बहुत पेन में हो, तो वो चीज़ों से रिलीफ आपको मिलने के यहाँ पे पूरे पूरे मुझे चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी स्पेशली आपके फाइनेंसिस में, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है क्लियर चीज़, बिकॉज आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो फाइनली आपकी मैनिफेस्टेशन इस मंथ में पूरी हो रही है, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। सो कीप मैनिफेस्टिंग एंड स्टे पॉजिटिव। ठीक है, कुछ लोग अपने जैसे किसी के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ से, आप उनसे यूनियन कर सकते हो, अपने बच्चों से मिल सकते हो, यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है। कुछ लोग अपनी मदर से मिल सकते हैं, जिनकी मदर से कोई आपका कोई क्लैश चल रहा था, किस तरह की कोई नाराज़गी चल रही थी, आपकी मदर आपसे दूर थी, बट अभी आपका मुझे लगता है उनसे यूनियन होगा। किसी तरह का आपका हो सकता है झगड़ा अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से या अपनी मदर से, तो आपकी उनसे यूनियन है। बच्चों से भी मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं डेफिनेटली। लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या आप लोगों की लाइफ में इस मंथ क्या आ रहा है।
मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू हैट. आई फील लाइक बहुत से लोग अपने बच्चों से मिलेंगे इस मंथ में, ठीक है, और आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. आप एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, और ऑब्वियसली जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो तो आपका पूरा हो ही रहा है, वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा. ये बहुत प्रोमिनेंट है ये चीज़. न्यू लव, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों की लाइफ में न्यू लव गाइज एंटर हो रहा है. कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट का लवर आ रहा है जिसने आपको चीट किया है. मोस्टली यहाँ पे न्यू चीज़ें मुझे एंटर होती हुई नज़र आ रही हैं, कि रोमांटिक फीलिंग्स आपकी डिवेलप होंगी, किसी की आपके लिए डिवेलप हो सकती हैं फीलिंग्स, जहाँ से वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा. बिकॉज आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अब आपका टाइम आ जाए और आपकी लाइफ में भी कोई लव आए. देन वी हैव सेपरेशन. यस, किसी सेपरेशन है आपका, वो सेपरेशन एंड होगा, उनसे यूनियन होगी आपकी. वट एवर, आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, कोई भी है ये, ठीक है. वन मोर कार्ड. देन हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग. आप लोगों को गाइज फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने पास्ट को. आप लोगों ने अपने पास्ट से जो सीखा वो सीख लिया, बट अब आपको हील करने की ज़रूरत है. अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपना प्रेजेंट मोमेंट इन्जॉय कर सकें. सो मुझे लगता है यहाँ पे शायद अपने पास्ट को आप निकल चुके हो वहाँ से. अगर नहीं निकले तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, और डेफिनेटली आप लोगों ने अपने पास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. सो फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए, न्यू चीज़ों के लिए स्पेशली अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं. सो डेफिनेटली तभी आपकी लाइफ में काफ़ी मुझे पॉजिटिव चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं. वट एवर आपका कोई करियर है, वट एवर आपका लव से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, आपके फाइनेंसिस में भी मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं. बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास फर्स्ट कार्ड है. आपको किसी तरह से कोई जॉब की ऑफर हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री से भी हो सकती है. जैसे आपने कहीं ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, ईमेल रिसीव हो सकता है आपको उनकी तरफ से. ओके, देन है हमारे पास करियर. यस, आपका करियर काफ़ी अच्छा हो रहा है गाइस. आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है और काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है. देन वी हैव होम. इस मंथ में हो सकता है आप लोगों का डेफिनेटली आप लोग कोई न्यू घर ले सकते हो, न्यू घर में कोई शिफ्टिंग कर सकते हो. आप लोग अनमैरिड हो तो यहाँ पे मैरिज के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं. आपका घर बनेगा अपना नया. देन वी हैव कमिटमेंट. आप लोगों में से बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिलेगी लव लाइफ में आपकी. किसी से रीयूनियन हो रही है, जिनके साथ आपका काफ़ी टाइम से यू नो सेपरेशन चल रहा था, अब आपकी उनसे यूनियन हो रही है दोबारा, और दोबारा कमिटमेंट में आप लोग आ सकते हो उनसे. लव एंटर हो रहा है गाइज आप लोगों की लाइफ में. करियर भी बहुत बेटर हो रहा है आप लोगों का, और लव लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही है मुझे इस मंथ नज़र आ रही है आप लोगों की. बट उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहिए. देन है हमारे पास बाउंड्रीज. यस, आप लोगों को बाउंड्रीज बनाने की गाइस ज़रूरत है. जो चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए आप लोग अपने आप को अवेलेबल रखिए, जो नहीं है उसके लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई आपका मिसयूज़ ना कर सके, आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है. सो उन लोगों से आपको बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है, और आई थिंक आप लोग इस मंथ बाउंड्रीज लगाओगे भी, ठीक है. अपने आप को सिक्योर करिए बाहर के लोगों से, ताकि आप लोग जितना हो सके उन लोगों के साथ ही रहिए जो आपके लिए बेटर है, ठीक है. जिस लोगों से आपके आगे फ्यूचर को कोई मसला नहीं है, उन लोगों से खुद को अटैच्ड करें, ठीक है. देन वी हैव कंपैशन. यस, आप लोग काफ़ी कंपैशन हो रहे हो गाइस. आप ऑब्वियसली लोगों की हेल्प भी करोगे, और आप लोग खुद अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो इस मंथ. आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ मिल चुका है, सो आप उस पर मुझे काफ़ी वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है. सो यार, दिस इज योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.